हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पे मैथ से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। त्रिकोणमिति से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक टेस्ट, बिहार पॉलिटेक्निक। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं ये वीडियो को तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के लेवल रहते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, और आप सबको आसानी भी होगा दोस्तों कि किस तरह से वहाँ पे बनाना है और किस तरह के लेवल रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप सभी का पॉलिटेक्निक एग्जाम में कुछ दिन बाकी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए यहाँ पे 31 नंबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने बुक को परचेज़ नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक भी दे रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। ठीक है, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारे सेट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता भी चल जाएगा कितने में वो बुक मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई टू है और साइन अल्फा का मान 1/2 है, तो कॉस बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, दोनों का मान पाई बाई टू यानी 90 डिग्री अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ अकेले साइन अल्फा का मान 1/2 है, तो 1/2 साइन का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे पता चल गया दोस्तों कि अल्फा का मान 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाटा टू है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री अल्फा का मान दे सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम बीटा का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 30। ठीक है, पाई बाई टू का वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 30 कितना हो जाएगा, बीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस बीटा यहाँ पर दिया गया है, तो कॉस बीटा और यहाँ पे बीटा का मान मैंने 60 डिग्री बताया है, तो कॉस बीटा तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, तो 31 का यहाँ पर सही उत्तर बी आ जाएगा। कैसे मैंने बताया वो समझ गए होंगे आप लोग, साइन अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान पहले देख लेंगे हम, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा में हम बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए 32 नंबर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, देख सकते हैं 10 5 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री 10 15 10 20 10 70 10 75 10 80 और 10 85। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत से छात्र डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे दो टर्म्स को मिला के 90 डिग्री आपको पुराना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 5 डिग्री है और 10 85 डिग्री है, तो इस दोनों का मान हो जाएगा 1। ठीक है, 10 10 डिग्री है और 10 80 डिग्री है, तो इस दोनों का मान हो जाएगा 1 1। ठीक है, 10 15 और 10 75 का हो जाएगा 1, 10 20 और 10 70 का हो जाएगा 1, तो सभी का 1 और इंटू है, मतलब सभी में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 1 × 1 × 1 अगर 5 टर्म मिला के आपको 90 डिग्री पूरता है, तो यहाँ पे 5 बार हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो आपको 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का अधिकतर जवाब दोस्तों आप सभी को 0 डिग्री, ठीक है, 0 आएगा या फिर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। देखिए दो टर्म्स को मिलाकर आपको 90 डिग्री पुराना है, 90 डिग्री। ठीक है, ताकि आपको 1 वैल्यू आ जाए, किसी भी आप 10 का लो ले लो, साइन का ले लो या फिर कॉस का ले लो, सभी में 1 आएगा। ठीक है, जब दो टर्म्स को आप लोग मिला दोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दो टर्म्स को देखना है कि दो टर्म्स को मिलाकर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 10 5 डिग्री और 10 85 डिग्री मिला के 80 आपका 90 आ रहा है, और 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री मिलाकर आपको 90 आ रहा है, 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री मिला के 90 आ रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरह के और भी क्वेश्चन देख लेना आप लोग कि किस तरह से बनाया गया है, और भी प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन, और एक न एक क्वेश्चन रहने ही वाले हैं, चाहे साइन थीटा पर आधारित हो या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा, किसी न किसी त्रिकोणमितीय रेशियो पर आधारित जरूर होगा। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, कॉस 4 बीटा माइनस साइन 4 बीटा का मान कितना होगा। तो ये तो फॉर्मूला पर आधारित है दोस्तों कि कॉस 4 बीटा माइनस साइन 4 बीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे, जिसका वैल्यू आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस फिर साइन स्क्वायर बीटा का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर आ जाएगा,
तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जैसे मैंने आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान वैल्यू हो जाएगा वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है वन, और एक आ जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू आपका आ जाता है कॉस टू बीटा, ठीक है, यहाँ पे या फिर कॉस टू थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे 33 का सही उत्तर आपका डी आ जाएगा। कैसे मैंने बताया, पहले इसको स्क्वायर कर लेना है, कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ना है इसको, उसके बाद एक का वैल्यू आ जाएगा वन और एक फार्मूला पे आ जाएगा कॉस टू बीटा का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फार्मूला जाके बुक में, 33 का सही उत्तर यहाँ पे डी आ जाएगा। देखिए 34 नंबर है कि एक त्रिभुज में सी बराबर दो है, बी बराबर भी दो है, और साइन बीटा का मान दिया है वन बटा रूट टू, तब कोण ए का मान क्या होगा। देखिए जब दो भुजा बराबर आपको दिया गया है कि सी बराबर दो है और बी बराबर दो है, तो इसका मतलब है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और एक कोण का मान भी दिया गया है, ठीक है। देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मान लीजिए त्रिभुज है आपका, और ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि सामने वाला भुजा सी है, यहाँ पे सी के सामने वाला, और बी के सामने वाला यहाँ पे बी है, ठीक है, और बी का मान यहाँ पे दो है और सी का मान भी वैल्यू आपका दो दिया गया है, और एक है साइन बीटा, मान लो कि यही है बीटा और इसका मान दिया गया है वन बटा रूट टू, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है साइन बीटा वाला वन बाई टू मतलब 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री है आपका। और देखिए जब ये दो भुजा बराबर है, एक भुजा और दो भुजा, तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। जब ये भुजा यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज था, जब आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे और देख लीजिए, जब ये भुजा आपका और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण 45 डिग्री है आपका दिया गया, तो ये भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए का मान पूछा जा रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यहाँ पे सी आंसर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के मदद से यहाँ पे निकाल सकते हैं कोण ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि ए का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो 2 tan a / 1 - tan² a का कितना मान होगा। तो ये फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये 35 नंबर का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan a / 1 - tan² a बराबर होता है 10, ठीक है, 10 होता है 10 2a, ठीक है, 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a / 1 - tan² a। तो यहाँ पे 10 2a को अगर निकालेंगे हम, a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो 2 tan (60° - 1 - tan²) 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस बनाने में। और यहाँ पे 35 में आप लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला आधारित अगर निकालोगे तो 10 2a का फार्मूला आप रख सकते हो, यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, तो 10 2a मतलब हो जाएगा 10 120 डिग्री, ठीक है, 2 × 60 डिग्री, तो 10 120 डिग्री का मान हो जाता है आपका -√3, ठीक है। यहाँ पे 35 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, -√3। आप लोग निकाल सकते हो इसका वैल्यू, 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, और अगर 10 120 डिग्री में जाएंगे हम तो वो माइनस में होता है, मतलब 90 से 170 के बीच में या फिर 180 के बीच में उसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी ऑल साइन 10, इसमें आपको 180 से लेकर 270 तक, ठीक है, आपको वैल्यू यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कॉस 47 डिग्री बराबर ए है, तो किसका मान साइन 43 डिग्री के बराबर होगा। तो कॉस 47 का ए है, तो साइन 43 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो आपको 43 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 47 घटाएंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 47 डिग्री, तो कॉस 47 डिग्री का मान ए, तो इसका वैल्यू भी ए ही हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने, साइन 43 डिग्री को मैंने पहले बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, तो 47 घटाएंगे 90 - 47, तो 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 - थीटा होता हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस 47 का वैल्यू यहाँ पर ए हो जाएगा।
तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 36 का ए हो जाएगा, बी मतलब ए हो जाएगा यहाँ पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि टेन 60 डिग्री बट्टा साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो आप। टेन 60 डिग्री का मान हो जाता है आपको रूट थ्री, ठीक है, और साइन पाई बाई 3 का मान हो जाता है रूट थ्री बाई 2, और कॉस पाई बाई 6 का भी हो जाएगा रूट थ्री बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा कॉस 30 और साइन पाई बाई 3 हो जाएगा साइन 60। तो इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 के बराबर, ठीक है। 37 का सही उत्तर सी हो जाएगा आपका, अगर वैल्यू निकालोगे इसका तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा कट कूट के, ठीक है। देखिए 38 नंबर है कि कॉस ए बराबर 3/5 है तो कॉस 2a का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के इसका जो है डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है कॉस 2a का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस 2a का वैल्यू होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उस पर भी आप निकाल सकते हो, या फिर कॉस ए थ्री कॉस ए बराबर 3/5 है तो इसका मतलब बी बटा एच दिया गया है आपको, तो यहाँ से पी का मान निकाल सकते हो आप लोग, 4 आएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा पी का वैल्यू। तो कॉस 2a का फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, और वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 4/P/H होता है, तो यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालोगे दोस्तों अगर आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका 38 का सही उत्तर सी आ जाएगा, -7/25, ठीक है। जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप लोग निकाल सकते हो, देख सकते हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक टेस्ट में पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 2a प्लस कॉस 2a बराबर 3/2 है तो साइन 4a का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है कॉस 2a प्लस कॉस साइन 2a प्लस कॉस 2a बराबर 3/2 है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करके निकाल लेंगे, ठीक है। साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद 3/2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू साइन 2a, ठीक है, इंटू कॉस 2a हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a बराबर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपको 9/4, ठीक है। और यहाँ पे 1 अगर इस साइड लेके जाएंगे तो 9/4 माइनस 1 आ जाएगा, तो जिसका वैल्यू आप लोग 5/4 निकल जाएगा। और यहाँ पे 2 साइन 2a प्लस इंटू कॉस 2a का वैल्यू साइन 4a होता है इसका वैल्यू, ठीक है। 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a का वैल्यू होता है फार्मूला साइन 4a के बराबर, तो जिसका वैल्यू आप लोग 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 39 का सही उत्तर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों किए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे त्रिकोणमिति से लिए थे, आगे के वीडियोज़ में आपको अलजेब्रा जितने भी आपको टॉपिक बचते हैं उस सबसे मैं कवर करा दूंगा आप सभी को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर भी सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के लेवल रहते हैं और किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में।